सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सभी का आज के ऑनलाइन तासिका में स्वागत है। मैं प्रशांत एगोलपुर केके मार्ग हिंदी शाला क्रमांक 2 से आज आपको ऑनलाइन तासिका में विषय हिंदी और घटक रहस्य, इस पर हम लोग आज के तासिका को आयोजित करने वाले हैं। और आप सभी को एक प्यार भरा नमस्कार करते हुए मैं अपने स्लाइड शो शुरू करता हूँ। स्लाइड के माध्यम से हम आज के विषयांश को समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ पृष्ठभाग के जो अपने किताब की जो पृष्ठ है उसको हम लोग देखेंगे और उस आधार पर पाठ की चर्चा के साथ साथ हम लोग इस पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बृहन्मुंबई मनपा ऑनलाइन शिक्षण माध्यम मराठी इयत्ता 7वीं और विषय है हमारा हिंदी। विषय शिक्षक के रूप में मैं हूं श्री प्रशांत एगोल पवार, जैसे कि मैंने अभी अपने परिचय में बताया। और सीएनओ के रूप में मुझे मदद करने वाली है श्रीमती रेखा कुपवाड़ेकर मैडम। तो प्यारे बच्चों, मेरी स्क्रीन आपको नजर आ रही है ये मैं आशा करता हूँ। कोई मुझे रिप्लाई दे दे, उत्तर दे दे। हेलो, दिख रही है मेरी स्क्रीन? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का सुविचार है गणित विज्ञान का द्वार और कुंजी है। गणित विज्ञान का द्वार और कुंजी है। प्यारे बच्चों, गणित की यह संकल्पना है जो कि विज्ञान का द्वार खोलती है और साथ ही साथ उस द्वार की वो चाबी भी है। यानी बिना गणित के विज्ञान ये परिपूर्ण नहीं हो सकता है। अब ये सुविचार बताने का एक खास कारण है, क्योंकि आज का जो दिन विशेष है वो है राष्ट्रीय गणित दिवस। तो मैंने सोचा कि आपको जो सुविचार मैं बताऊं वो क्या हो, किस पर आधारित हो, गणित पर आधारित हो। तो गणित यह विज्ञान के लिए द्वार के साथ साथ पूंजी का भी कार्य करता है। तो ये क्यों मनाया जाता है, इसकी एक छोटी सी परिपाटी देना चाहूंगा। तो प्यारे बच्चों, गणितज्ञ जो श्रीनिवास रामानुजन थे उनका आज जन्म दिवस है, जयंती है। 22 दिसंबर 1887 में इनका जन्म हुआ था और ये बहुत ही महान गणितज्ञों में से एक है। आधुनिक भारत के महान गणितज्ञों में से इनका नाम शीर्ष स्थान में लिया जाता है। प्यारे बच्चों, इनकी 125वीं जयंती के उपलक्ष पर सन 2012 में पूरा वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान वर्ष के रूप में मनाया गया था। और उसी साल से ये परंपरा है कि हर साल 22 दिसंबर ये दिवस राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस दिवस के उपलक्ष में विविध कार्यक्रमों का आयोजन होता है, साथ ही साथ विद्यालयों और अन्य संगठनों में इस दिवस को और अच्छे तरीके से मनाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये दिवस मनाने का एक खास उद्देश्य है कि बच्चों के मन में जो गणित के प्रति डर है, संकोच है या किसी प्रकार की असहजता का जो भाव है वो ना रहे, इसलिए गणित दिवस हम लोग मनाते हैं और गणित से ज्यादा अच्छे दोस्ती कर सके इस दृष्टि से हम लोग प्रयास करते हैं। विषय है हिंदी, घटक है रहस्य। तो ये पाठ जिन्होंने लिखा है उन लेखक का परिचय हम लोग अभी करते हैं। इस पाठ को लिखा है डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे ने। इनका जन्म हुआ था 3 मार्च 1940 नागोद सतना, जो कि मध्य प्रदेश में आता है, और इनकी मृत्यु 14 नवंबर 2013 को हुई है। रचनाएं संपूर्ण बाल विज्ञान कथाएं इत्यादि। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से इन्होंने अपना पूरा जीवन बाल साहित्य को लिखने में अपना बिताया है।
इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि यह कहना शायद अतिशयोक्ति न होगी कि हिंदी में बाल साहित्य को आज जो मुकाम हासिल है वह उसे कदापि न प्राप्त होता यदि उसे हरिकृष्ण देवसरे जैसा साहित्यकार न हासिल हुआ होता। हिंदी बाल साहित्य के भंडार को भरने, हिंदी की नई भारतीय भाषाओं की स्तरीय रचनाओं को सामने लाने एवं बाल साहित्यकारों को आत्मगौरव का बोध कराने की दृष्टि से उन्होंने जो कार्य किए हैं, हिंदी बाल साहित्य में उसकी कोई मिसाल खोजने से भी नहीं मिलती है। प्यारे बच्चों, की बड़ों के लिए तो सभी लेखन करते हैं, भरपूर विपुल साहित्य संपदा उपलब्ध है, परंतु बच्चों की मानसिकता को देखते हुए वैज्ञानिक कथाएं, रोचक कथाएं, रहस्य कथाएं जो पूरी तरीके से बच्चों को समर्पित रहे, ऐसी कथाएं हरिकृष्ण देवसरे जी ने अपने जीवन में लेखन किया है। डॉक्टर देवसरे ने बाल कहानियों को लेकर जितने प्रयोग किए हैं, विज्ञान कथा साहित्य को समृद्ध करने हेतु जो सक्रिय भूमिका निभाई है, बच्चों के लिए विज्ञान लेखन को बढ़ावा देने के लिए जो सकारात्मक माहौल बनाया, पराग नाम की जो पत्रिका है के जरिए बाल साहित्य पत्रकारिता को जो ऊंचाइयां प्रदान की और बाल साहित्य में राजतंत्र और जादू टोने वाली रचनाओं के विरुद्ध जो प्रभावशाली आंदोलन खड़ा किया, वह सब यूं तो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, किंतु वर्तमान पीढ़ी उस सबसे बहुत कम वाकिफ है। मैं भी इनके बारे में ज्यादा जानता नहीं था, परंतु जब इस पाठ को पढ़ने के लिए मैंने इनके बारे में जानने के लिए सामग्री इकट्ठा की, तब मैं इनके कार्यों से परिचित हुआ और इन्होंने अपना इतना योगदान दिया है बाल साहित्य में, सच में ऐसे बहुत कम लोग हैं। तो इनकी कुछ किताबें देखिए, जैसे तुम डाल डाल हम पात पात जो देवसरे जी ने लिखी है, ये मुहावरों पर आधारित रोचक कहानियां इसमें आपको पढ़ने को मिलेंगी। साथ ही साथ मैं पढ़ नहीं सकता नाम की एक पुस्तिका है जिसको इन्होंने लिखा है, और एक है अकबर बीरबल की प्रामाणिक कहानियां। प्यारे बच्चों, कुछ सप्ताह पहले हमने अकबर बीरबल की एक कहानी पढ़ी थी और तब मैंने आपको ये कहा था कि बहुत सारी कहानियां कल्पना के आधार पर काल्पनिक कहानियां हैं, परंतु इस पुस्तिका में उन्होंने प्रामाणिक कहानियों को इकट्ठा कर उनको आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। और एक है भारतीय बाल साहित्य जो इन्होंने संपादित किया था, उसी के साथ साथ संत तुकाराम, संत नामदेव, इनके जीवन पर आधारित कुछ पुस्तकें इन्होंने लिखी जो संतों के परिचय के बारे में हो सकती है, और उन्होंने प्रेमचंद जी की कुछ कहानियों का संपादन भी किया है। यानी प्रेमचंद जी ने जो अनेक कहानियां लिखी सभी आयु वर्ग के लिए, उसमें से जो बालकों के लिए कुछ 13 बाल कहानियां जो सुंदर है, अच्छी है, जो मन को भा जाती है, ऐसी 13 बाल कहानियां इकट्ठा करके उनको भी संपादित किया है। इस प्रकार से इनका बाल साहित्य में योगदान रहा है, और इनके मृत्यु के उपरांत भी एक ट्रस्ट काम करता है जो बाल साहित्यकारों को प्रेरित करता है, उनके लिए नई नई जो रचनाएं होती है उनकी उनको पुरस्कृत करना और बाल साहित्य को बढ़ावा देना, वो ट्रस्ट काम करता है। प्यारे बच्चों, आज जो हम लोग कहानी पढ़ने वाले है, इस कहानी का शीर्षक है रहस्य। ये कहानी आपको कहाँ मिलेगी, आपके भाषा के किताब में है, और इसकी पृष्ठ क्रमांक 44 पृष्ठ क्रमांक 44 पर पाठ 7 रहस्य आपको पढ़ने को मिलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, थोड़ा सा पाठ का परिचय कर लेते हैं। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने बच्चों को अंधविश्वासों से दूर रहते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। ओके, तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि अंधविश्वास और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये दो परस्पर विरुद्ध चीजें हैं। अंधविश्वास क्या होता है, जिसको बिना सोचे समझे उस पर विश्वास कर लेना, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है, जो तर्क शुद्ध विचारों पर आधारित होता है, यानी उसमें तर्क को ही जगह होती है। उसमें किसको जगह होती है, तर्क को। जो भी चीजें सुनी सुनाई हो, कपोल कल्पित हो, उसमें उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण ऐसी चीजों से परहेज करता है जो तर्क पर आधारित नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत सारे अंधविश्वासों ने कब्जा कर लिया है, जिसको केवल हम लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से ही दूर कर सकते हैं। आज की कहानी ऐसे ही एक बालक की है जो शायद आपकी उम्र का है, और उसके सामने भी एक ऐसी समस्या खड़ी होती है, और उस समस्या को वो किस प्रकार से सुलझाता है, ये सब हम लोग आज की कहानी में पढ़ने वाले हैं।
चलिए अब मैं आपको पाठ्य पुस्तक के कुछ पाठ्य पुस्तक का से ही आपको आगे का दिखाने वाला हूं। हाँ ये देखिए, ये आपका पृष्ठ क्रमांक 44, इसमें है पाठ सातवां रहस्य, डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी का इनका लेखन है। चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं और चर्चा के माध्यम से आगे बढ़ते जाते हैं। सुनिए, अंधेरी रात थी, चारों ओर सन्नाटा था, हाथ फैलाए न सूझता था, कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई पड़ती थी। आधी रात बीत चुकी थी। मामा जी के घर से कुछ दूर पर सामने हवेली थी, हवेली में उजाला था। आर्यन खेतों को सरपट पार करता हुआ उस ओर अकेले बढ़ रहा था। उसे उस हवेली में आधी रात के बाद कल भी ऐसा ही उजाला देखा था। मामा जी ने पहले ही आर्यन से कह दिया था, उधर हवेली की ओर जाने की जरूरत नहीं है, वह हवेली भूतों का डेरा है। आर्यन मन ही मन मुस्काने लगा। वह जानता था कि भूत वूत कुछ नहीं होते हैं, यह कपोल कल्पना है। कक्षा में विज्ञान के शिक्षक ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अच्छी तरह से समझाया था। रहस्य का पता लगाने के लिए उसने मन में ठान लिया। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए, कहानी की शुरुआत में ही लेखक जी ने हमें वातावरण निर्मित कर दी है। अंधेरी रात, सन्नाटा और हाथ फैलाए न सूझता था। ये तीसरा वाक्य देखिए, हाथ फैलाए न सूझता था, इसका मतलब इतना अंधेरा था, अंधेरा था कि पास में आपको हाथ लगा के ही देखना पड़ता था कि क्या है, दीवार है, पेड़ है, कोई आपके साथ खड़ा है। तो इतना घना अंधेरा, कुत्तों की भौंकने की आवाजें और आधी रात का समय, और मामा जी के घर से कुछ दूर पर एक हवेली जिसमें थोड़ा सा उजाला दिख रहा है, और आर्यन उधर जाना चाहता था, परंतु मामा जी ने क्या कहा था, उधर जाने की जरूरत नहीं है, वहां भूतों का डेरा है। डेरा होना मतलब उनकी एक उनका अड्डा होना, वहां भूत रहते हैं। और उस नीरव शांति यानी सन्नाटे भरे माहौल में, एक डरावने माहौल में आर्यन कुछ करना चाहता था जो कि उसके लिए आह्वानात्मक था। मामा जी ने कह दिया था कि वहां पर भूत है, परंतु आर्यन जानता था, वो पढ़ने वाला लड़का था जिसके टीचर ने कहा था कि भूत वेत कुछ नहीं होती है, ये कपोल कल्पना होती है। कपोल कल्पना मतलब हमने जो काल्पनिक चीजें अपने मन में बिठाई रखी है वो चीजें होते हैं। तो उसको भूत प्रेत पर कोई विश्वास नहीं था। मामा जी ने कहा था, इस हवेली में पिछले 10-15 सालों से कोई नहीं रहता। पहले उसमें एक जमींदार का परिवार रहता था, अब जमींदार का परिवार खत्म हो गया है, उस तरफ कोई आता जाता नहीं है। एक बार घिसू उधर से गया था, बेचारे का बुरा हाल हुआ था, 3 महीने तक खाट पकड़े रहा। अब देखिए, गांव कस्बों में या शहरों में भी हम लोग सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करते हैं बिना जांच और परखे। मामा जी ने कुछ ऐसे ही उसको भी सुना दिया आर्यन को कि बेटा 15 सालों से वहां कोई नहीं रहता है, एक जमींदार का परिवार वहां रहता था, परंतु अब उनका कोई वारिस नहीं बचा है, तो वो हवेली ऐसे ही पड़ी रहती है और उधर से कोई गुजरता नहीं है। एक बार घिसू नाम का आदमी उधर से गुजरा था, उसका हाल खराब हो गया था और 3 महीने तक वो बीमार रहा। खाट पकड़े रहना मतलब बीमार रहना, बेड रेस्ट पर रहना। आर्यन करवटे बदलता रहा। अब वो करवटे बदल रहा है, इसका मतलब वो रात का समय है, करवट बदल रहा है, बेचैन हो गया है। आधी रात को उठकर छत से उसने हवेली को फिर से देखा, वहां रोशनी थी। गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए वह मामा जी के घर आया था। एक समृद्ध गांव है, मामा जी के पास एक विदेशी डिजिटल कैमरा भी है, ये बात आर्यन को मालूम थी। मामा जी की एक लड़की थी, उसका नाम था कनिष्का। आर्यन ने कनिष्का से कुछ सलाह मशविरा किया, दोनों बहादुर थे। अगला कदम उठाने के लिए उन्होंने कमर कस ली, कमर कसली मतलब दृढ़ संकल्प कर लिया उन्होंने। बच्चों, आर्यन छुट्टी के लिए मामा के घर आया था और उसने देखा कि थोड़ी दूर पर हवेली है जिसमें रात को थोड़ी रोशनी दिखती है, कोई ज्यादा आता नहीं। उसको वहां जाने की इच्छा थी, लेकिन मामा ने रोक दिया था, कहा था वहां भूत प्रेत होते हैं, मत जाओ। और घिसू नाम के आदमी की हालत खराब हो गई थी, जो काफी महीनों तक बीमार पड़ा रहा बिस्तर पर। परंतु आर्यन ने क्या तय किया कि मैं कनिष्का की मदद से, अब देखिए आर्यन मामा जी के बाद कहानी का तीसरा पात्र है कनिष्का की मदद से वो उस गुत्थी को सुलझाने वाला था। और उसने तय किया कि एक दूसरे की मदद से हम लोग इसका कुछ ना कुछ इस ये जो घटना है या जो दिख रहा है रोशनी उस हवेली में, उसका हम लोग कुछ तो भी उपाय ढूंढेंगे, ठीक है। तो इसी दौरान उसको ये ध्यान में आया कि मामा के पास एक कैमरा है, डिजिटल कैमरा, जिसमें एक सुंदर तस्वीरें खींची जा सकती है। तो शायद ये कैमरा
इस प्लान का हिस्सा होने वाला है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अगली सुबह उसने मामा जी से कैमरा मांग लिया। मामा जी मामी जी को साथ बैठा कर मामा जी का फोटो लिया, फिर मामा मामी और कनिष्का के भी फोटो खींचे। कनिष्का ने मामा मामी के साथ आर्यन के भी फोटो खींचे। मामा मामी जी बहुत खुश थे। मामा जी ने कैमरे की तारीफ के पुल बांधते हुए कहा, रात में मामूली रोशनी में बिना फ्लैश गन के भी ये तस्वीर खींच लेता है। तो दूसरे दिन उन्होंने कैमरा ले लिया मामा जी से और सब फोटो सेशन होने लगे। दो के फोटो, तीन लोगों के फोटो, कभी कनिष्का मामा जी के साथ उसका फोटो खींचती थी, कभी आर्यन कनिष्का के माता पिता के साथ उसकी तस्वीर खींचता था। तो मामा जी ने तारीफ के पुल बांधे। किसके तारीफ के पुल बांधे? कैमरे के। अब जब हमारे पास कोई नई चीज होती है, आमतौर पे हम लोग अपने मोबाइल की तारीफ बताते रहते हैं ना कि उसका कैमरा कितना मेगापिक्सल है या उसमें कितने जीबी मेमोरी है, या ये सब हम लोग अपने दोस्तों को या रिश्तेदारों को अपने मोबाइल या अपने जो भी गैजेट्स होते हैं उसकी प्रशंसा कर करके सुनाते हैं। तो वैसे ही मामा जी ने भी बड़े प्रशंसा से कहा कि रात की रोशनी में भी बिना फ्लैश गन के ये तस्वीर खींच लेता है, कमाल का लेंस लगा है इसमें। आर्यन ने कैमरा अपने पास रख लिया था। कैमरा पाकर आर्यन और कनिष्का बहुत प्रसन्न थे। वे दोनों रात होने का इंतजार करने लगे। रहस्य का पता लगाने का यह अच्छा अवसर था। चलिए कहानी का जो शीर्षक है रहस्य, यह हमको देखने को मिल रहा है। तो आर्यन ने कैमरा अपने पास रख लिया था और कैमरा पाकर आर्यन और कनिष्का खुश थे क्योंकि उनका प्लान का एक हिस्सा तो उन्होंने पूरा कर लिया था। अब वो दोनों रात होने का इंतजार कर रहे थे और इस रहस्य को सुलझाने के लिए वो तैयार थे और एक अच्छे अवसर की तलाश में थे जो उनको रात को मिलने वाला था। तो उस हवेली में किस तरीके की रोशनी आती है ये उसका वो खोज करने वाले थे। चलिए अब हम लोग कहानी के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। अंधेरा होते ही दोनों घर से निकल पड़े। हवेली सामने थी, अंदर से हंसी और कहकहों की आवाजें सुनाई पड़ रही थी। आर्यन और कनिष्का ने पहले चारों ओर ध्यान से देखा, कहीं कोई खतरा नहीं था। वे दबे पांव हवेली में चले गए। बीचों बीच एक बड़ा कमरा था, उसका दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़कियां नीचे से बंद थी लेकिन ऊपर से खुली थी। अब देखिए जब वो निकले हैं तो रात का अंधेरा है, दोनों घर से निकल रहे हैं, सामने हवेली थी, लेकिन ये क्या, हवेली के अंदर से तो हंसी की आवाज आ रही है, कोई ठहाके लगा रहा है, कोई हंस रहा है, यानी अंदर किसी इंसानी अस्तित्व की संभावनाएं थी वहां पर। और आर्यन ने कनिष्का ने पहले चारों ओर ध्यान से देखा, कोई उनको देख तो नहीं रहा है, कोई खतरा तो नहीं है। फिर दबे पाव जाना मतलब धीरे धीरे उस तरफ बढ़े वो लोग, और बीचों बीच एक कमरा था, बीचों बीच यानी बिल्कुल मध्य भाग में एक कमरा था। उसका दरवाजा तो बंद था लेकिन खिड़कियां ऊपर से खुली थी, नीचे से बंद थी। अब अगले पैराग्राफ की तरफ आते हैं। बड़ी सावधानी से आर्यन ने अंदर झांक कर देखा। हट्टे कट्टे, मोटे तगड़े, बड़ी बड़ी मूछों वाले कई लोग पगड़ी बांधे बैठे थे। अंदर देखिए, हट्टे कट्टे, मोटे तगड़े, बड़ी बड़ी मूछों वाले, इस वर्णन से हमको लग रहा है कि ये कोई आम लोग नहीं है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। उनके साथ कमीज और पैंट पहने हुए भी कुछ लोग थे, यानी कुछ लोग कमीज पहने हुए थे, कुछ पैंट थे, कुछ धोती पगड़ी पहने वाले थे, कोई मोटा था, कोई तगड़ा था, कोई हट्टा कट्टा था, कोई मूछों वाला था। उनकी आंखों से आग बरस रही थी, आंखों से आग बरस रही थी मतलब एक प्रकार का गुस्सेला भाव। सबके चेहरे डरावने थे। उस समय वे खाने में मस्त थे, कोई हड्डी चबा रहा था तो कोई रोटियां तोड़ तोड़ कर मुंह में डाल रहा था। आर्यन ने उन्हें ध्यान से देखा, उनके गले में कारतूसों की पेटी लटक रही थी, बंदूकें और तलवारें भी रखी थी, कुछ लोग लुढ़के हुए पड़े थे। तो कनिष्का और आर्यन ने अंदर की तरफ जब झांक कर देखा तो उनको अंदर का माहौल समझ में आ गया, ये कोई चोर लुटेरे रहे होंगे जो अभी खाने में व्यस्त थे, जो मोटे तगड़े काले या फिर डरावने चेहरे के या लाल गुस्सेली आंखों वाले, ऐसा वर्णन लेखक ने यहाँ पे किया है। और कोई हड्डी चबा रहा था, कोई रोटियां तोड़ तोड़ के मुंह में डाल रहा था, कारतूसों की पेटी, ये आपने सुनो, ये अभी तक कभी देखा नहीं होगा, कुछ डाकू या फिर जब पहले के जमाने में कारतूस, ये जो कारतूस यानी क्या होती है, बंदूक की गोली होती है, तो उनको लटकाने की एक पट्टी आती है, उस पट्टी को कहा जाता है कारतूसों की पेटी, जो आपने फिल्मों में या पुराने कई चित्रों में या पुरानी फिल्मों में देखा होगा। आमतौर पर डाकू वगैरह फिल्मों में दिखते नहीं है,
आधुनिक शस्त्रों के साथ हम देखते हैं तो कारतूसों की पेटी से हम में से काफी लोग अपरिचित होंगे। चलिए, तो बंदूक के तलवारों से लैस वो लोग वहां पर थे। आर्यन ने इशारा किया, कनिष्का ने बड़ी सावधानी से कैमरा निकाला। गैस बत्तियों की रोशनी इतनी तेज थी कि बड़ी आसानी से फोटो लिया जा सकता था। बस उसने फटाफट कई फोटो खींचे और वे घर की ओर चल पड़े। अगले दिन सवेरे सवेरे आर्यन ने साइकिल उठाई और नारायणपुर की ओर चल पड़ा। वह फोटोग्राफर की एक दुकान थी। तो आर्यन ने किसको इशारा किया? कनिष्का को। और कनिष्का ने बड़ी सावधानी से कैमरे से क्लिक किए। गैस की बत्ती में काफी रोशनी थी कि फोटो आसानी से लिए जा सकते थे। फटाफट उन्होंने फोटो खींच लिए कनिष्का ने और वो वहां से चलते बने, क्योंकि वहां ज्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं था। आप जानते हो, क्योंकि उनका फ्लैश लाइट बंद था, जैसे मामा जी ने बताया था कि इसमें अंधेरे में भी फोटो लिए जा सकते हैं बिना फ्लैश गन की सहायता से, क्योंकि उसका जो लेंस था वह बड़ा ही एडवांस था। नहीं तो क्या होता, फ्लैश लाइट पड़ती या क्लिक क्लिक की आवाज आती तो चोर जागरूक हो जाते और फिर इनका खतरा बढ़ सकता था। चलिए, कहानी के उत्तरार्ध में हम लोग आ रहे हैं, अब क्या होता है वो देखते हैं। तो सभी फोटो तैयार करके कराकर शाम तक वह लौट आया। आप जानते हैं कि आप जब मोबाइल से फोटो खींचते हैं तो उसको आपको किसी स्टूडियो में जाकर उसकी कॉपीज बनवानी पड़ती हैं। आजकल हम लोग कॉपीज बहुत कम बनवाते हैं और हमारी मोबाइल में हजारों फोटो हम लोग संभाल कर रख सकते हैं, परंतु जो फोटो कॉपीज होती है वो कई सालों तक हम संभाल पाते हैं, लेकिन जब मोबाइल खराब होता है या कैमरे का या फिर हमारा जो मेमोरी कार्ड होता है वो करप्ट होता है या ऐसे कुछ तकनीकी प्रॉब्लम्स की वजह से हमारे फोटो खराब हो सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर समझदारी दिखाते हुए आर्यन ने क्या किया, वो नारायणपुर गया जहाँ पर फोटो स्टूडियो था। वहां से उसने कैमरे से क्या किए, जो फोटो खींचे थे उनकी कॉपी जो थी वो सभी बनवाकर वो लेकर आया, फोटो कॉपीज तैयार करके। कनिष्का ने अपने पिताजी से कहा, आप कहते हैं भूतों के पैर उल्टे होते हैं, उनकी छाया नहीं होती, उनके फोटो नहीं ले सकते, लेकिन कल रात हम भूतों के डेरे पर गए थे, वहां कुछ फोटो लिए हैं, जरा देखिए। तो उन्होंने फोटो पिताजी को दे दिए। आप जानते हैं कहानी के आरंभ में पिताजी ने उस जगह का उल्लेख, यानी कनिष्का के पिताजी ने उस जगह का उल्लेख क्या किया था, भूतों का डेरा है। और यहाँ पे कनिष्का कह रही है कि हम लोग तो भूतों के डेरों पर जाकर आए हैं और उनके फोटो भी लेकर आए हैं, और आपने तो कहा था उनके पैर उल्टे होते हैं, उनकी परछाई नहीं पड़ती है, तो हमने तो उनके फोटो भी लिए हैं, जरा देखिए। तो ये फोटो कहते हुए उसने सभी फोटो अपने पिताजी के हाथ में थमा दिए। वे परेशान उठे, उन्हें ऐसा खतरनाक काम पसंद न था। फोटो देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रही। बोले, तो क्या भूत इंसानों जैसे होते हैं? इंसानों जैसे नहीं, इंसान ही भूत है, देखिए ना, इनके पैर सीधे है, इनकी छाया भी है और इनके फोटो भी आ गया है। असल में भूत वूत की अफवाह है, कोई हवेली की तरफ न जाए, उनका रहस्य न खुले, इसलिए उन्होंने भूत होने की अफवाह फैलाई है। यदि लोगों का आना जाना रहता तो ये लोग अपना क्रियाकलाप कैसे चलाते? फिर कुछ रुक कर बोला, आप मेरे साथ थाने चलेंगे? मुझे इस मामले में बहुत कुछ गड़बड़ लगती है, आर्यन ने कहा। तो प्यारे बच्चों ने हिम्मत तो की थी, लेकिन उन्होंने उनको आगे की मदद के लिए क्या चाहिए था, पिताजी की मदद चाहिए थी। और यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले आर्यन ने मामा जी को वो सभी तस्वीरें थमाई उन लोगों ने, और मामा जी को शुरू में उनका ये बहादुरी वाला कारनामा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बच्चों ने वहां जाकर तस्वीरें खींचना इसमें काफी जोखिम थी, लेकिन उन्होंने उस जोखिम को उठाते हुए फोटो लाए थे, तो थोड़ा सा उनको ये अच्छा तो नहीं लगा था, परंतु वो इस बात से भी परिचित हो गए कि वो जो डेरा था या वो जो हवेली थी वो भूतों का डेरा नहीं था, वहां पर इंसान रहते थे। तो मामा जी ने शुरू में कहा कि क्या भूत तो इंसान जैसे दिखते हैं? तो आर्यन ने उनको रोकते हुए कहा कि नहीं, इंसान ही भूत है, और वो लोग अपना चोरी डकैती का काम अच्छे से करते रहे और उनको कोई व्यत्यय न आए, इसलिए उन्होंने अफवाह फैलाई थी। प्यारे बच्चों, अफवाह यानी क्या होता है, झूठ मूठ की जानकारी सार्वत्रिक कर देना, जो एक से दूसरे दूसरे को चौथे इस तरीके से करते हुए समाज में फैल जाती है, और आजकल अफवाहें बहुत परेशानी का सबब बनी हुई है सोशल मीडिया के जमाने में। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से आर्यन ने मामा जी की हेल्प मांगी और कहा कि आप मेरे साथ थाने चलेंगे, थाने का मतलब पुलिस थाने, और इस मामले में मुझे कुछ गड़बड़ लगती है, आर्यन ने कहा। तो गड़बड़ तो थी ही, जो साफ तरीके से हमें नजर आ रही थी। चलिए, कहानी के अंत में आते हैं। कहानी के अंत में
थानेदार ने फोटो देखते ही कहा, इन डाकुओं के गिरोह ने कई वर्षों से बहुत ही उत्पात मचा रखा है। उत्पात मचाना यानी बहुत परेशान कर देना, उधम उपद्रव मचाना, ये सब होता है। तो फोटो देखते ही वो पहचान गए, शायद वो वांटेड डाकू थे जो पुलिस को चाहिए थे। इन डाकुओं ने के गिरोह ने, गिरोह यानी उनका एक समूह, डाकुओं का समूह को गिरोह कहा जाता है, इन कई वर्षों से उत्पात मचा रखा है। डकैती और राहजनी इनका पेशा है। डकैती यानी लूटपाट करना, राहजनी यानी रास्ते में लूटपाट करना। आप जानते हैं कि पहले के जमाने में लोग पैदल यात्रा करते थे, घोड़े या इससे पुलिस या ये ऐसी सभी चीजें नहीं होती थी एक जमाने में, तो चोर उचकों का काम होता था राह चलते लोगों का सामान लूट लेना, उनको डरा धमका कर उनके पास के धन दौलत ले लेना। तो इसके लिए राहजनी इस शब्द का प्रयोग किया है। कई वर्षों से इनकी तलाश की जा रही है, कई वर्षों से इनकी तलाश की जा रही थी। इनका पेशा है इनको पकड़ने के लिए पुलिस ने अपना खून पसीना एक कर दिया था। शाबाश, तुम दोनों ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। कहाँ है ये? आप तैयारी कीजिए, ठिकाना मैं बताता हूँ, आर्यन ने कहा। तो पुलिस को जब वो गए पुलिस की मदद मांगने के लिए, तो पुलिस ने कहा कि इनको तो हम जानते हैं, ये वांटेड क्रिमिनल्स है, ये जो चाहिए पुलिस को ऐसे गुनहगार है, और काफी वर्षों से इनकी परेशानी हम लोग झेल रहे हैं, जो पकड़ में नहीं आ रहे, लेकिन हम लोगों ने बहुत कोशिश की फिर भी नहीं। उन्होंने खून पसीना एक कर दिया, ये शब्द का इस्तेमाल किया है। खून पसीना एक कर देना एक मुहावरा है जिसका तात्पर्य है कड़ी मेहनत करना। जब आप कड़ी मेहनत करते हो तब आप ये शब्द इस्तेमाल करते हो, खून पसीना एक करके मैंने परीक्षा की तैयारी की, या खुद खून पसीना एक करके हम लोग घर बना रहे हैं। तो इस तरीके से खून पसीना एक करके हमने स्वतंत्रता प्राप्त की। तो शाबाश, तुम दोनों ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है, ऐसा कहते हुए उन्होंने कहा कि ये जगह कहाँ है मुझे बताइए। तो आर्यन ने कहा कि आप तैयारी कीजिए, मैं आपको वो ठिकाना बताता हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं। उस रात भूतों के डेरे पर पुलिस ने छापा मारा, दोनों ओर से गोलियां चली। सवेरा होते होते डाकुओं ने हथियार डाल दिए, उनके कुछ साथी मारे गए और कुछ पकड़े गए। देखिए बच्चों, बुरे लोगों का हश्र बुरा होता है। यहाँ पर बता रहे हैं कि जब पुलिस वहां पर गई पूरी तैयारी के साथ, तो डाकू शायद अलर्ट नहीं थे और उन्होंने पुलिस के आते ही गोलियां चलने लगी दोनों तरफ से, और सवेरा होते होते डाकुओं ने हथियार डाल दिए। हथियार डाल देना यानी आत्मसमर्पण करना, हथियार डाल देना एक मुहावरा है जिसका तात्पर्य है आत्मसमर्पण कर लेना। जब भी कोई युद्ध होता है या जब भी कोई इस तरीके की छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती है, जब आप हारने की कगार पर आ जाते हो और अब हारना निश्चित है, ऐसे समय में आत्मसमर्पण आपकी जान बचा सकता है, या ऐसी परिस्थिति में आत्मसमर्पण करना जब ठीक लगता है तो कुछ लोग आत्मसमर्पण कर देते हैं, तो उसी के लिए हथियार डाल देना इस शब्द का प्रयोग हुआ है। उनके कुछ साथी मारे गए और कुछ पकड़े गए, तो कुछ जीवित मिले कुछ मारे गए वहां पर। गांव वालों ने हवेली में बसे भूतों के देखा तो चकित रह गए। देखिए बच्चों, अफवाहों में घिर कर सभी ने ये मान लिया था कि वहां पर भूत है, एक दूसरे को बताता है, दूसरा तीसरे को बताता है, इस तरीके से गांव में वो बात फैल गई थी कि भूत रहते हैं, और कभी ने उसके सत्य तक जाने की कोशिश नहीं की। परंतु विज्ञान पर भरोसा होने वाले इन बच्चों ने उस घटना के तह तक जाकर सच बाहर निकाला था, रहस्य की खोज की थी कि वो रहस्य क्या है। तो सभी डाकुओं के आतंक से मुक्त हो गए। आतंक यानी क्या होता है? दहशत या भय। तो सभी लोग गांव के उन डाकुओं के भय से भी आजाद हो गए, यानी आगे से उनका डाका पड़ने की संभावनाएं कम हो गई, खत्म हो गई, और उस हवेली में जो डर बैठा था उस हवेली से संबंधित, वो डर भी लोगों के मन से निकल गया। जिला कलेक्टर ने आर्यन और कनिष्का की बहादुरी के कारण उनके नाम राष्ट्रपति कार्यालय को भेजवा दिए। आप जानते हो कि बाल शौर्य पुरस्कार मिलता है कुछ बच्चों को जो असामान्य बहादुरी दिखाते हैं। भारत में जो बालक होते हैं असामान्य बहादुरी दिखाने वाले, अपने दुर्दम्य साहस का जो प्रदर्शन करते हैं, हर वर्ष भारत भर से ऐसे कुछ बच्चों को राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किया जाता है, और इस पुरस्कार दिल्ली की जो परेड होती है जो स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस पर, उसमें राष्ट्रपति के हाथ से उनको यह वीरता पुरस्कार सम्मान दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या किया, जिला कलेक्टर ने आर्यन और कनिष्का का नाम राष्ट्रपति कार्यालय को भिजवा दिया था। आने वाले गणतंत्र दिवस पर महामहिम राष्ट्रपति के हाथों
उनको वीरता पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाला है। अरे बच्चों, तो जब गणतंत्र दिवस का समारोह होगा तब इन दोनों को राष्ट्रपति जी के हाथों से क्या किया जाएगा, इनको सम्मानित किया जाएगा। नए शब्द इस पाठ में जो आए हैं शब्द वाटिका में हम देखते हैं, वो जो बॉक्स दिख रहा है, देखिए नए शब्द हम लोग लेफ्ट साइड में देख रहे हैं और मुहावरे राइट साइड में है। तो नए शब्द देखिए, जैसे सन्नाटा जो कहानी के आरंभ में आया है उसका तात्पर्य है नीरव शांति। सलाह मशवरा करना यानी परामर्श लेना, सलाह लेना। बीचों बीच यानी एकदम मध्य भाग में। उत्पात यानी उधम और उपद्रव। डकैती यानी लूटपाट। राहजनी यानी रास्ते में लूटपाट। और आतंक यानी दहशत और भय। ये कुछ नए शब्द है जिनका आपको अपने बोलचाल में इस्तेमाल करना है। फिर कुछ मुहावरे है, काफी मुहावरे दिख रहे हैं। खाट पकड़ना यानी बीमार हो जाना, जैसे कहानी में आया ना घिसू ने खाट पकड़ी। करवटे बदलना यानी बेचैन रहना, जब हमारे मन मस्तिष्क में कोई सवाल होता है, कोई चिंता होती है, कोई या कोई उत्साह की आती, हम करवटे बदल रहे होते हैं, तो ऐसी अवस्था को, बेचैनी की अवस्था को करवटे बदलना कहते हैं। कमर कसना यानी दृढ़ संकल्प करना, किसी काम को करने के लिए पूरी तैयारी से तैयार हो जाना और वो काम करके रहूंगा ये भाव से तैयार होना यानी कमर कसना। तारीफ के पुल बांधना यानी प्रशंसा करना, यानी आप लोग जानते हो जैसे मैंने कहानी के मध्य में बताया था। आंखें खुली की खुली रहना यानी चकित रह जाना, जब उन्होंने तस्वीरें दिखाई थी मामा जी को तो मामा जी आंखें चकित हो गए थे, तब ये मुहावरा इस्तेमाल हुआ था। खून पसीना एक करना यानी कड़ी मेहनत करना, पुलिस ने कहा था कि हमने इनको पकड़ने के लिए खून पसीना एक किया था। और हथियार डालना यानी आत्मसमर्पण कर देना, जब उनकी जो छोटी सी लड़ाई चल रही थी, दोनों तरफ से गोला बारूद चल रहे थे, तब इन्होंने डाकुओं ने हथियार डाल दिए। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि कहानी का अंत हुआ है। तो प्यारे बच्चों, दो बच्चे जो थे आर्यन और कनिष्का, इन्होंने क्या किया, सुनी सुनाई बातों को टालते हुए अपने वैज्ञानिक सोच को, अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जीवित बनाते हुए, भूत प्रेत तो होते नहीं, ये जरूर कुछ अलग चीज होगी, कुछ अलग रहस्य होगा, ऐसा सोचते हुए उस दिशा में उन्होंने प्रयास किया और तब जाकर उस रहस्य को खोज पाए। अगर आर्यन और कनिष्का दोनों भी सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करते तो शायद वो डर न जाने कितने वर्षों तक बना रहता और उस परिसर में जो होने वाली लूटपाट की जो चीजें थी, जो घटनाएं थी, वो आए दिन होते रहती थी। तो हमेशा हमेशा हमने प्रयत्न करना चाहिए कि वैज्ञानिक सोच के साथ हम लोगों ने अपने आसपास होने वाली घटनाओं को देखना चाहिए। तो यहाँ पर इस कहानी को मैं समाप्त करता हूं और आपसे अगर कुछ सवाल है तो आप मुझे अवश्य पूछ सकते हैं। धन्यवाद।